भारत में यूपीआई कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सब्जी की दुकान से लेकर मॉल तक हर जगह हम अपने मोबाइल से ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसमें आए दिन नए नए फीचर जोड़े जाते हैं। इस बार ऐसा क्या खास है इसमें जिसका फायदा आपको मिलने वाला है, जानेंगे वो सब हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश मनी मेरे यानी मेधा के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई में जोड़े गए नए स्पेशल फीचर्स के बारे में जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है। पिछले साल यूपीआई ऐप में रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की फैसिलिटी शुरू की गई थी और इस साल प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन का फीचर शुरू किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी रहे तो भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दरअसल अब आप चुनिंदा बैंकों की ओर से जारी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से खर्च कर सकते हैं और बाद में रीपेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा ऑपरेट भीम ऐप पर UPI क्रेडिट का फीचर लाइव हो गया है और इस लिस्ट में एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पेटीएम बैंक, PNB बैंक और SBI जैसे 6 बैंक लाइव दिख रहे हैं। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट इनमें से किसी बैंक में है तो आप इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि RBI ने अप्रैल 2023 में UPI का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था और इसके तहत बैंकों की तरफ से जारी प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन को भी UPI सिस्टम में शामिल करने की घोषणा की थी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में 6 सितंबर 2023 को क्रेडिट लाइन ऑन UPI फीचर को पेश किया गया था। UPI इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिससे इंस्पायर होकर अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी अपने यहाँ शुरू करना चाह रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको याद है कि UPI सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? हम बताते हैं, साल 2016 में UPI पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई थी। UPI सिस्टम को NPCI ऑपरेट करती है। UPI एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या UPI ID या UPI QR कोड की जरूरत पड़ती है। UPI ऐप के जरिए आप 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं। UPI से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए OTP या CVV कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट आदि की जरूरत नहीं होती है, तो ये एक तरीके से सेफ ऑप्शन भी माना जाता है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर को NPCI ने एक डाटा प्रेजेंट किया जिसके हिसाब से पहली बार अगस्त महीने में UPI ट्रांजैक्शंस ने 10 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था। 30 अगस्त 2023 तक UPI में 10.24 बिलियन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए थे जिनकी वैल्यू 15.18 लाख करोड़ थी। अब आप सोच रहे होंगे कि RBI ने इस फीचर को क्यों जोड़ा है, तो इसका सीधा सीधा रीजन यही है कि इस फीचर के जरिए RBI फाइनेंशियल ऑफरिंग्स के कॉस्ट को कम करना चाहती है और इंडियन मार्केट में यूनिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। तो ये बेसिकली UPI सिस्टम की कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। UPI का कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए जोश मनी। शुक्रिया।